ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिटल गेन है इसका बेटा इंटर लेवल पे वेटेज आता है लगभग 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर का कहीं भी इंटर लेवल पे पूछा जा सकता है, लेकिन बेटा फाइनल लेवल पे इसका टॉपिक, इस टॉपिक का वेटेज बढ़ के इंक्रीज हो जाता है 20 से 30 नंबर, ठीक है। तो इस टॉपिक का वेटेज लगभग आपके फाइनल में, मतलब टोटल आपके करियर में इस टॉपिक का वेटेज है 35 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का मिनिमम वेटेज। और बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कैपिटल गेन, अगर कोई सबसे खतरनाक टॉपिक है दैट इज कैपिटल गेन, आपको मजा आएगा। मैं आपको पता है मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि आप क्लास में बेटा जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो कर पाओ। आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आना चाहिए कि जो आप आज पढ़ रहे हो सेम सीए फाइनल में भी एप्लीकेबल होगा, और इतना उसका वेटेज रहने वाला है, फेवरेट होने वाला है कैपिटल गेन। जिस बच्चे ने इसको पूरा अच्छे से देखा उसका ये फेवरेट होने वाला है कैपिटल गेन। चलिए सबसे पहले बेटा किसी भी टॉपिक का चार्जिंग सेक्शन, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन का नंबर तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, चार्जिंग सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1। अच्छा और कौन कौन से पढ़े, सिर्फ नाम सेक्शन नंबर बता दो मुझे, एक सेकेंड बेटा लाइन से। सेक्शन 15 सैलरी, 22 हाउस प्रॉपर्टी, 28 पीटीबीपी, 45(1) कैपिटल गेन, 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बेटा 45(1) बड़ा ही सिंपल सेक्शन, बड़ा ही सिंपल सेक्शन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल गेन डिपेंड अपॉन चार्ज, कोई भी टॉपिक बेटा डिपेंड चार्जिंग सेक्शन पे ही करता है। तो 45(1) क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा आप लोग, दो लाइन का आपके सामने सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपके पास। देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज फोकस करिएगा, बोल रहा है एनी प्रॉफिट एंड गेंस, कोई भी प्रॉफिट एंड गेंस, समझना मेरी बात, व्हाट इज प्रॉफिट, आप मुझे बताओ। कोई चीज अगर आप 80 की परचेज करते हो, 100 रुपए की बेच देते हो, तो 20 रुपए का क्या हो जाता है आपको प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। 45(1) क्या बोला है, एनी प्रॉफिट और गेन, बेटा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रांसफर, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ट्रांसफर। सब लोग प्लीज फोकस करेंगे, चार्जिंग सेक्शन क्या लिखा है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। तो बेटा ट्रांसफर को डिफाइन करने आपके सामने आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 47, आपको आकर बताएगा व्हाट इज ट्रांसफर, ठीक है। आपको ट्रांसफर कौन बताएगा, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47। अच्छा ट्रांसफर किस चीज का, कैपिटल एसेट, समझना मेरी बात, क्योंकि जब भी ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होगा और कोई प्रॉफिट या गेन होगा तो ही क्या लगेगा बेटा, कैपिटल गेन। 45(1) चार्जिंग सेक्शन, बेटा चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था चार्जिंग सेक्शन का काम होता है बताना कि कब कोई इनकम मेरे अंदर टैक्सेबल होगी। तो 45(1) क्या बताएगा, कब कोई इनकम कहां टैक्सेबल होगी बेटा, कैपिटल गेन, एक सेकेंड। तो ये बोल क्या रहा है आपके सामने, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। बेटा आपको मैं बता दूं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ट्रांसफर, वो आपको कौन बताएगा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज कैपिटल एसेट, ये आपको बताएगा सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो बेटा जब भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा, जब भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा, कोई भी प्रॉफिट या नुकसान, जो भी प्रॉफिट फायदा नुकसान जो भी होने वाला है बेटा, वो किस हेड के अंदर होने वाला है, कैपिटल गेन के अंदर। तो देखिए मैंने आपको अभी सिर्फ इतनी लाइन समझाई है बेटा, इसकी एक एक वर्ड यहां पर, एक इस लाइन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मैंने आपको यहां तक समझाया जितना मैंने मार्क करा, अल्टीमेटली ये तो आपको याद करना है, लेकिन याद करने से ज्यादा आपको समझना है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है बेटा, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। एक एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, मैं आपको बता दूं, आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बिल्डिंग है ना, दिस इज कैपिटल एसेट, ये क्या है कैपिटल एसेट। और ट्रांसफर का एक एग्जांपल देता हूं बेटा, सेल वगैरह कर देने को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, लेमन लैंग्वेज में, सिर्फ लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं बेटा, ये बिल्डिंग क्या है कैपिटल एसेट, और इसको बेच देने को क्या बोलते हैं ट्रांसफर। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर इस बिल्डिंग को मैंने 5 करोड़ रुपए में सेल आउट कर दिया और खरीदा 1 करोड़ में था, तो क्या मैंने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, यस बेटा, ये 4 करोड़ रुपए कहां टैक्सेबल होने वाले हैं, कैपिटल गेन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, एनालिसिस बहुत करना है, बहुत बारीकी है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि ये बिल्डिंग आपका क्या है कैपिटल एसेट। आपको बेटा एग्जैक्टली जब आपको एग्जैक्टली बात जब समझ आएगी, जब आपको पता होगा व्हाट इज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 एंड व्हाट इज कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214।
समझ रहे हैं आप इतनी बात। अच्छा एक और चीज, चार्जिंग सेक्शन ने बेटा आपको दो चीज बताई। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो इसने बताई कि कब इनकम कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगी, तो वो तो बड़ा सिंपल है, जब भी बेटा असेट कैपिटल असेट होगा और उसका क्या हो रहा होगा ट्रांसफर, तो इनकम कहां टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन किस टाइम पे टैक्सेबल होगी, ये भी ये सेक्शन आपको बताता है। बेटा देखिए क्या लिखा है, सेकंड चीज, इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस साल बेटा ट्रांसफर होगा वो उस साल टैक्सेबल होगी, समझिएगा बात को। सेक्शन 45(1) आपको बेटा दो चीज बता रहा है, पहली चीज तो बता रहा है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, और फिर वो बता रहे हैं कि किस टाइम पर टैक्सेबल होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, देख लिया आप लोगों ने दोनों लाइन को, तो इसको मैं एक मिनट के लिए हटा रहा हूं, क्योंकि बेटा अभी मैं आपको बता दूं मेनली तो आपको बेटा अभी ये चार्जिंग सेक्शन का एनालिसिस करना है, और सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर की डेफिनेशन समझनी है, और बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 14 व्हाट इज कैपिटल एसेट समझना है, मतलब आपको अभी एनालिसिस करना है थ्योरेटिकली कम से कम दो क्लास तक। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, बेटा सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन 45(1) क्या बोल रहा है, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, एनी प्रॉफिट और गेन, एक बात सुन लो बेटा, फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करना है पूरे कैपिटल गेन तक, जब भी मजा आएगा आपको, ठीक है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से चार्जिंग चार्ज के अंडर का एक कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो अगर मैं इस बिल्डिंग को बेचूंगा तो क्या लगने वाला है, कैपिटल गेन किस साल लगने वाला है, जिस साल इस बिल्डिंग को बेचूंगा, समझ रहे हैं क्या, यस और नो, तो बेटा ये तो हो गया अपना चार्जिंग सेक्शन, आप टेंशन मत लेना, चार्जिंग सेक्शन पे तो अपन को रोज आना है, रोज अपनी बेटा शुरुआत यहीं से होने वाली है, 45 सबसेक्शन 1 पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड करेगा। तो अब अपन को चार्जिंग सेक्शन के वर्ड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, बेटा यहां पर देखिए एनालिसिस करना पड़ेगा ट्रांसफर की डेफिनेशन, एक काम करते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन से पहले, क्योंकि सीक्वेंशियली कैपिटल असेट की डेफिनेशन पहले दिए तो अपन वो डिस्कस करते हैं पहले। पहली चीज मैं आपको बता दूं, समझना है और जितना समझना है उससे ज्यादा रटना है, समझ लेना मेरी बात, कैपिटल असेट सेक्शन 2 क्लॉज 14, पहली चीज समझना है, बिना समझे भी काम नहीं होगा मैं आपको बता दूं, और सिर्फ समझने से भी काम नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा रटना भी पड़ेगा, कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 14 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, बेटा ध्यान से सुनना, आज लॉ की डेफिनेशन शायद पहली बार मैं आपको कोई डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं जो कि काम की डेफिनेशन है, तो प्लीज फोकस करिएगा कैसे आपको डेफिनेशन पढ़नी होती है। देखिए क्या लिखा है, कैपिटल असेट मींस, इतना तो आपको किसी ने बताया होगा, मींस लिखा है मतलब जो होगा वो यही होगा, दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, यस और नो, मतलब बेटा ध्यान से सुनना, एक वर्ड कभी कभी इंक्लूड होता है, यहां पर इंक्लूड नहीं बोला, यहां पर क्या बोला, मींस, कैपिटल एसेट मींस मतलब जो बताएंगे बस यही क्या होगा, कैपिटल एसेट इसके अलावा कोई भी एसेट कैपिटल एसेट नहीं होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, एनालाइज मतलब आपको एनालिसिस भी करना है, दिमाग खोल के सुनना है चीजें। तो देखिए क्या लिखा है, कैपिटल एसेट मींस, और एक और चीज आपको जो पढ़ाया जाए सिर्फ उतना देखना है, अगर मैं आपको पॉइंट नंबर ए पढ़ा रहा हूं ना तो पॉइंट नंबर बी की तरफ भी मत झांकना, पॉइंट नंबर ए पे ही पूरा फोकस होना चाहिए बेटा, एक एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज मत देखिएगा, भरोसा रखिएगा, मैं आपको बताऊं एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और एक एक चीज आपको याद भी हो जाएगी और एक एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, बस क्लास में जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना पार्टिसिपेट करते रहना और फोकस के साथ सुनते रहना। कैपिटल एसेट मींस, तो देखिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 बता रहा है, आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, हु इज असेसी, सर जिसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसी। तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, आगे देखिए क्या लिखा है, वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन का मतलब कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब चाहे मेरे पास मोबाइल हो, चाहे मेरे पास लैपटॉप हो, चाहे मेरे पास घर हो हाउस, चाहे मेरे पास लैंड हो, चाहे प्लॉट, समझिए बात को, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरी है, मूवेबल नहीं बोला, इमूवेबल नहीं बोला बेटा, क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसकी है मेरी है, वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ये क्लेरिफैक्टरी है कि चाहे उसका रिश्ता नाता पीडीबीपी से हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मेरी है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल एसेट। प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए।
सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट मींस पहला पॉइंट क्या है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा अभी ये डेफिनेशन बहुत एनालिसिस वाली है अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा बस सभी लोग फोकस करिएगा समझने पे ज्यादा ध्यान देना याद तो मैं करवा दूंगा सेकंड पॉइंट में बोला एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई एफआईआई मैं आपको बता दूं बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जब अपन इंडिया में पैसा लगाते हैं तो अपन नॉर्मल होते हैं जब बाहर वाले लगाते हैं तो उनको एफआईआई बोलते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो क्या बोला एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई समझिएगा बात को बेटा कोई एफआईआई है इसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे डिबेंचर्स खरीदे बॉन्ड्स खरीदे कुछ भी खरीदा सिक्योरिटी वर्ड है क्या लिखा है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 अरे यस और नो दो पॉइंट तो बेटा आप याद हो जाना चाहिए क्योंकि इन पॉइंट में ज्यादा कुछ समझने का था नहीं समझने का आएगा तीसरे पॉइंट में हटा रहा हूं इसको मैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 चलिए सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई दो पॉइंट अच्छा तीसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे ना लिखा है बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ये सी पॉइंट आपका हो जाएगा एक्सक्लूजन्स कि कैपिटल एसेट में ये नहीं आएगा ध्यान से सुनिएगा बच्चे प्लीज फोकस करिएगा अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट का इंपैक्ट पूरी डेफिनेशन पे आने वाला है ऊपर तक इसलिए प्लीज फोकस करिएगा क्या बोला बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड मतलब कुछ चीजें कैपिटल एसेट कभी भी नहीं मानी जाएंगी पहली चीज देखिए आप क्या लिखा है स्टॉक इन ट्रेड देखिए पहली चीज क्या लिखी है स्टॉक इन ट्रेड समझिए बात को आप मुझे एक चीज बताइए अगर मैं कपड़ों का बिजनेसमैन हूं तो कपड़े मेरे लिए क्या होते हैं बेटा स्टॉक इन ट्रेड यस और नो अरे हाँ या ना अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बिजनेसमैन हूं तो आप मुझे बताइए जो रेफ्रिजरेटर जो टीवी मेरी दुकान पे रखी है वो मेरा क्या है स्टॉक इन ट्रेड आप मुझे बताइए जब मैं उन टीवी को बेचूंगा जब मैं उन रेफ्रिजरेटर को बेचूंगा जब मैं उन कपड़ों को बेचूंगा कैपिटल गेन लगेगा या पीटीबीपी लगेगा इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी कैपिटल एसेट समझिएगा बात को बेटा स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट होता तो उस पर क्या लग जाता कैपिटल गेन लेकिन आप मुझे बताइए उस पर कैपिटल गेन लगना चाहिए था या पीडीबीपी लगना चाहिए उस पर क्या लगना चाहिए पीडीबीपी समझ रहे हैं क्या मेरी बात यस और नो अच्छा सेकंड चीज मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा बेटा वर्ड मूवेबल मूवेबल मतलब सब समझते हैं मूवेबल मतलब क्या आप मुझे बताइए क्या ये मूवेबल है नहीं लेकिन क्या मेरी कार मूवेबल है यस क्या मेरा मोबाइल मूवेबल है यस क्या मेरा लैपटॉप मूवेबल है यस क्या लिखा है बेटा ध्यान से सुनना सिर्फ मूवेबल नहीं बोला मूवेबल के साथ बोला पर्सनल प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज फोकस करिएगा सेकंड पॉइंट एक्सक्लूजन का मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी मत लिखिए कुछ भी अभी कुछ मत लिखिए प्लीज फोकस करिए बहुत एनालिसिस इसमें होने वाला है बहुत काम की डेफिनेशन है पहले तो एक बार करने के बाद तो आपको समझ में आना शुरू होगी कि लिंक कहां से क्या लगेंगे उसमें मैंने आपको क्या बता रहा हूं बेटा कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी और पहली चीज मैंने आपको क्या बताई स्टॉक इन ट्रेड सेकेंड चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी प्लीज फोकस करिएगा सबका फोकस चाहता हूं आप मुझे बताइए पहले पॉइंट में क्या बोला था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड तो आप मुझे बताइए क्या मेरे घर पे जो किचन अप्लायंसेस रखे हुए हैं क्या वो भी मेरी प्रॉपर्टी थी यस तो वो भी मेरे क्या हो रहे थे कैपिटल एसेट ड्यू टू पॉइंट नंबर वन लेकिन आप देखिए ना कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं होंगी जिसमें क्या रहा है मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी आप मुझे बताइए मेरे घर पे जो मेरे किचन अप्लायंसेस रखे हैं मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी क्या वो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है यस तो क्या वो कैपिटल एसेट है नहीं आप मुझे एक चीज बताइए ये मोबाइल अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या ये कैपिटल एसेट है नहीं क्यों नहीं है सर इट इज मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी लेकिन बेटा यही मोबाइल अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहा होगा तो वो पर्सनल नहीं है फिर वो बिजनेस हो जाएगा तो बिजनेस वाले कंसिडर करना पड़ेंगे आपको आप समझ रहे हैं मेरी बात कौन से कंसिडर नहीं करना है बेटा मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी फोकस करिएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं आप मुझे बताइए मेरी कार मान लीजिए बेटा पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है तो आप मुझे बता दीजिए कार मूवेबल भी है पर्सनल भी है अगर मूवेबल भी है पर्सनल भी है तो कैपिटल एसेट होगी या नहीं होगी नहीं होगी लेकिन उसी कार की जगह अगर एक बेटा मेरा ट्रक है मूवेबल तो ट्रक भी है लेकिन पर्सनल नहीं है वो किस पर्पस के लिए बिजनेस पर्पस तो क्या वो मेरा कैपिटल एसेट है यस समझ रहे हैं क्या हाँ या ना
बेटा अभी जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना ध्यान रखना, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। अच्छा इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड। बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कभी भी क्या नहीं मानी जाएगी कैपिटल एसेट। इसकी वजह पता है क्या है, फोकस करिएगा बेटा, दिस इज रिलैक्सेशन गिवन टू किसान। आप मुझे बताओ रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसके ही पास होती होगी, किसान के पास। आप समझना मेरी बात, अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, 10 करोड़ में बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया, 9 करोड़। कायदे से कैपिटल गेन लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगेगा 45(1) की वजह से। क्यों नहीं लगेगा सर, कैपिटल गेन जब लगता है जब कैपिटल असेट हो, दिस इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है, यस और नो? तो बेटा ये आपको जो बताइए पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा। एक काम करता हूं, एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा, प्लीज फोकस करिएगा। लिखा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा हम लोग पता है बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, ठीक है। हमको पता नहीं क्या शौक होता है, हम गोल्ड रखते मतलब खरीदते हैं और घरों के अंदर अलमारी के अंदर या फिर किसी को मतलब रखते हैं। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में भी होता है, सबकी फैमिली में होता है ऐसा, यस और नो? तो बेटा ध्यान से सुनना, लेकिन वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होती है तो अच्छी चीज है, लेकिन बेटा जो अपन पहनने वगैरह के लिए लेते हैं वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है कि आप पता है, आप मुझे बताइए अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या वो क्या खरीदते हैं, बिस्किट्स या गोल्ड कॉइन्स होते हैं या बिस्किट होते हैं, यस और नो? तो बेटा जब वो बिस्किट खरीदते हो ना, तो सरकार पता है एक स्कीम आपके लिए लेके आई कि क्यों ना आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदो। देखिए बिस्किट आप खरीदोगे तो चोरी भी हो सकती है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर होगा तो वो चोरी इजीली नहीं, हैक हो सकता है लेकिन चोरी नहीं हो सकता, यस और नो? अरे हाँ या ना? आप समझना मेरी बात, गवर्नमेंट बेटा इनकरेज करना चाहती है इंडिया के पीपल्स को, इंडिया के लोगों को, कि आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड मत खरीदिए, आप किस फॉर्म में गोल्ड खरीदिए, डिजिटल फॉर्म में। तो भैया अगर आप डिजिटल डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हो ना, तो उस पर आपको ये लगता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999, ये गोल्ड है, ये एक बॉन्ड है बेटा जो आपको खरीदना होता है। अच्छा एक चीज, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या होती है, आज 1 करोड़ का खरीदा, कल को गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो 1.5 करोड़ हो जाएगी, तो आप उसको सेल आउट करके कितने पैसे ले लोगे, 1.5 करोड़, यही इंटेंशन होती है क्या, यस? तो बेटा ये फिजिकल फॉर्म में भी किया जा सकता है, ये डिजिटल फॉर्म में भी किया जा सकता है थ्रू दिस बॉन्ड्स, समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा यहां पर सरकार आपको इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है, रिलैक्सेशन दे रही है कि आप खरीदिए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, हम आपसे कैपिटल गेन नहीं लेंगे क्योंकि हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मांग रहे हैं, समझना मेरी बात बेटा। हर पॉइंट जो यहां पर है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब है और कुछ ना कुछ उसमें बारीकी है। तो देखिए क्या लिखा है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहले तो अपन एक काम करते हैं, अब रटने वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा कितना आपको समझ आया उसके अकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले सेक्शन कौन सा सेक्शन है कैपिटल एसेट का, अरे कैपिटल एसेट छोड़ो बेटा, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। जब भी असेट कैपिटल असेट होगा, उसका ट्रांसफर होगा, तो क्या लगेगा, कैपिटल गेन किस साल लगेगा, जिस साल वो असेट का ट्रांसफर होगा, यस और नो? अच्छा तो बेटा कैपिटल गेन लगाने के लिए पहली कंडीशन तो वो कैपिटल असेट होना चाहिए, तो आप गए कौन से सेक्शन के पास, सेक्शन 2 क्लॉज 14। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में आपको बताया कैपिटल असेट मींस, कैपिटल असेट मींस पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी whether or not it is connected with business or profession. Second point, any securities held by FII. ये दो चीज तो बेटा कैपिटल एसेट हो जाएंगी, लेकिन चार चीजें, तीसरे पॉइंट में बताया कि चार चीज कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होंगी, स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, जितना आपको समझ आया उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, फोकस करना। मैं आपको बता दूं कभी भी आपसे यहां पर पूछेगा नहीं, वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिख दो, नहीं, वो तो आपको कुछ ट्रांसफर करवाएगा, आपको देखना पड़ेगा वो कैपिटल एसेट है या नहीं, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं, अल्टीमेटली वो पूछने वाला है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो बेटा मैं अब आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, प्लीज फोकस करिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब बेटा अगर मैं एक मोबाइल तो छोड़िए, अगर मेरे पास एक कैप भी है ना, एक चश्मा भी है, एक गॉगल्स भी है, तो वो भी मेरे क्या है, कैपिटल एसेट, क्योंकि क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। बेटा ध्यान से सुनना, जनरल वर्ड है एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, उसका बिजनेस से कोई रिश्ता ना था, हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या बोला, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई,
अब बेटा दो पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आता है, कैपिटल एसेट में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। अब मुझे आंसर करिएगा, पहली चीज इंक्लूड नहीं होगी वो क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड। आप मुझे रीजन बताइए क्यों स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। सर सरकार चाहती है कि जब हम स्टॉक एंड ट्रेड बेचे तो हम पीडीबीपी के अंदर उसको टैक्सेबल करें, ना कि कैपिटल गेन। क्योंकि पीडीबीपी के अंदर एक ही चीज तो आती है बेटा, वो क्या होता है, स्टॉक एंड ट्रेड। अरे यस और नो? अगर बेटा मैं कपड़ों का बिजनेसमैन हूं तो कपड़े बेच के जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो कहां आना चाहिए, पीडीबीपी सेक्शन 28, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यस और नो? तो बेटा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। इसकी वजह क्या है, सर इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीडीबीपी, इसलिए इसको यहां बाहर किया। सेकंड चीज बेटा, मूवेबल पर्सनल असेट ये नहीं है, मूवेबल पर्सनल असेट कैपिटल असेट नहीं है। इसका कोई वजह बता सकता है मुझे? चलो इसकी वजह मत बताओ, दो मिनट के लिए इसकी वजह मत बताओ, आप तो बस मुझे ये बताओ मूवेबल पर्सनल असेट आपको समझ आया कि होता क्या है। दो चीज बेटा, मूवेबल भी होना चाहिए पर्सनल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे बेटा एक मिक्सर रखा है, जूस बनाने के लिए एक जूसर रखा है, आप मुझे बताइए घर पे मेरे जूसर रखा है, आप मुझे बताइए मूवेबल पर्सनल असेट, अरे यस और नो? आप मुझे एक चीज और बताइएगा बेटा, मेरे घर पे मेरा रेफ्रिजरेटर है, मूवेबल पर्सनल असेट, घर पे एलईडी है, एलईडी टीवी है, मूवेबल पर्सनल असेट, एपीटी के अंदर भी एलईडी टीवी है, कैपिटल असेट, दिस इज कैपिटल असेट, दिस इज मूवेबल बट नॉट पर्सनल, दिस इज कैपिटल असेट। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मूवेबल पर्सनल असेट। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, बेटा प्लीज फोकस करिएगा, मुझे आंसर करिएगा क्यों रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं है। प्लीज इधर इधर देखिए सब लोग, क्यों रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, जल्दी से आंसर करिए। बेटा मैं आपको बताऊं, अगर ये कैपिटल एसेट होता तो कैपिटल गेन लग जाता, उस पर टैक्स लग जाता, लेकिन सरकार उनसे टैक्स नहीं लेना चाहती, इसलिए रिलैक्सेशन है कि अगर मेरे पास, बेटा ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है किसान हो, अगर मुकेश अंबानी के पास भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्योंकि ये नहीं बोला कि किस पर्सन के लिए देखना है, सिर्फ असेट का नाम बताया, अगर जमीन बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल असेट नहीं है। मतलब बेटा दूर कहीं गांव में अगर मेरी कोई जमीन है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री क्लियर है क्या आपको? अच्छा पॉइंट नंबर फोर बताइए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। सर डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करने के लिए पॉइंट नंबर फोर में रिलैक्सेशन दिया है। तो आप मुझे बताइए, चार में से दो पॉइंट बेटा रिलैक्सेशन की वजह से है, एक कौन सा है, पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर फोर। सरकार इन पे भी टैक्स ले सकती थी, सरकार का हक बनता था इन पे टैक्स लेना, लेकिन सरकार ने माफ किया है, एक तो बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे। अच्छा बाकी ऊपर वाले दो पॉइंट में, पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट पे बेटा कहां टैक्स लगने वाला है, पीजीबीपी के अंदर, इसलिए आप उसको कैपिटल गेन के अंदर मत करना। अब बेटा एक बार है ना लास्ट, मतलब एक बार है ना, एक काम करिए, इसको मैं हटा रहा हूं सबको, क्योंकि अभी डेफिनेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी मेन डेफिनेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुई है कैपिटल एसेट की। एक बार बस मुझे आप कॉन्फिडेंस दिला दीजिए कि हाँ आपको वो डेफिनेशन याद हो गई है, प्लीज फोकस करिएगा सभी लोग, सभी बच्चे, क्योंकि जो नहीं करेगा फिर मुझे आता है करवाना। सेक्शन नंबर नहीं, आप एक काम करिए, जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल आपको कैपिटल गेन लगेगा, यस और नो, अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा। सेकंड चीज, सेक्शन 2 क्लॉज 14, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी। एक सेकंड रुक जाइए बेटा, मैं आपको बताऊं सरकार क्या कर रही है। पहले तो सरकार ने बोल दिया सब कुछ कैपिटल एसेट है, पॉइंट नंबर वन में सरकार ने क्या बोल दिया, सब कुछ कैपिटल एसेट है, पॉइंट नंबर टू में बोल दिया कि एफआईआई अगर सिक्योरिटी हेल्ड करता है तो वो भी कैपिटल एसेट है, लेकिन पॉइंट नंबर थ्री है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर बताया कि सब कुछ है लेकिन चार को छोड़ के, सब कुछ कैपिटल एसेट है लेकिन चार चीजों को छोड़ के, उन चार चीजों में बेटा पहली चीज है स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड चीज क्या है मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, तीसरी चीज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, फोर्थ इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, आप मुझे बताइए मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट थी या नहीं थी। बेटा मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट थी या नहीं थी? सर मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं
मतलब क्या ये एक्सेप्शन था? अरे आप मुझे बताइए ना, ये पॉइंट नंबर सी एक्सेप्शन ही तो है यार, कि कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी, कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी। और बेटा मैं आपको बता दूं, इस एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट था मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। देयर इज अ एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन, ध्यान दीजिएगा बच्चे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिएगा। सरकार बोलती है कि मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी को आप कैपिटल एसेट नहीं मानना, लेकिन इन छह चीजों को मानना पड़ेगा। आगे छह चीजों के नाम बताए हैं, आपको याद रखना पड़ेंगे। फर्स्ट इज ज्वेलरी, सेकंड इज ड्रॉइंग, फोकस करिएगा बेटा, फर्स्ट इज ज्वेलरी, सेकंड इज ड्रॉइंग, याद मैं आपको करवाऊंगा, पहले देख लीजिए। ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। और देखिए आपके सामने यहां पर क्या लिखा है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन खतरा। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से बेटा, प्लीज हल्के में मत लेना, बहुत खतरनाक चीज चल रही है अब, मत पढ़िएगा, पढ़िएगा मत, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा बस। मैंने आपसे क्या बोला, मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट है या नहीं? सर वैसे तो मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन बेटा इसके छह एक्सेप्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी द वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। हाँ तो बेटा देखिए क्या क्या है, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, छह चीज। ये छह चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद करना पड़ेगा, पहले तो नाम याद करिए फिर अपन डिस्कस करेंगे इस पे। ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। बेटा ध्यान से सुनना, सरकार बड़ी चालाक है, सरकार की चालाकी देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे घर पे अगर किचन अप्लायंसेस रखें, क्या उनकी बहुत ज्यादा कोई कीमत है? नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मेरे घर पे ज्वेलरी रखी है, क्या उसकी कीमत है? क्या वो एक कीमती चीज है? यस। सरकार बोल रही है ज्वेलरी बेचोगे तो कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी बेचोगे भले ही वो मूवेबल पर्सनल है, भले ही वो मूवेबल पर्सनल है, लेकिन अगर वो ज्वेलरी है वो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एसेट, और सरकार आपसे क्या लेने वाली है, उस पर टैक्स। अच्छा ज्वेलरी के अलावा बेटा ड्रॉइंग, बेटा वो ड्रॉइंग वो मेरा वाला, मेरी वाली ड्रॉइंग नहीं, वो अच्छी वाली ड्रॉइंग। आप मुझे बताइए क्या वो भी एक लग्जरी चीज होती है? यस। बेटा ध्यान से सुनना, आप सरकार की चालाकी देखिए बेटा, यहां पर जिन भी चीजों की बात हो रही ना, ये सब वैल्यूएबल चीजें, ये छह चीजें, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, बेटा पेंटिंग मजनू भाई वाली नहीं है ना, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, महाराणा प्रताप की तलवार, क्या वो एक लग्जरी चीज है? यस। अरे हाँ या ना? Yes, sir. और लिखा है एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। बेटा ध्यान से सुनना, सरकार बड़ी चालाक है, अगर आपके पास है ना कोई सस्ती वस्ती चीजें रखी घर पे, मूवेबल पर्सनल एसेट, सरकार उस पे कैपिटल एसेट, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानती और कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन बेटा अगर आपके पास ज्वेलरी है, ड्रॉइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, तो आपको उस पे क्या लगने वाला है? कैपिटल गेन। एक काम करिएगा, अब देखते हैं बेटा, अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई है, अब एक काम करिए, अब मुझे आंसर करिएगा सब लोग, पहले तो एक बार पार्टिसिपेट करके बताइए कि कितनी आपको याद है। सेक्शन नंबर टू क्लॉज 14, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मींस है या इंक्लूड है? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। सेकंड, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। फिर कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी, कितनी चीजें? चार, स्टॉक इन ट्रेड, जितनी एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है इन कैपिटल गेन। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट बताने आपको आया सेक्शन 2 क्लॉज 14, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। सेकंड पॉइंट, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। बेटा ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट एक्सक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, चार चीजें एक्सक्लूडेड, इस बार मैं बताऊंगा सिर्फ, इस बार सिर्फ मैं बताऊंगा, चार चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी। पहली चीज स्टॉक इन ट्रेड, पहली चीज स्टॉक इन ट्रेड कभी भी क्या नहीं मानी जाएगी, कैपिटल एसेट। सेकंड चीज बेटा, सेकंड चीज मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसके छह एक्सेप्शन, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मतलब क्या ये छह चीजें कैपिटल एसेट मानी जाएंगी? यस। So this is exception का भी exception। अच्छा तीसरा point क्या था? Rural agriculture land in India।
अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर, वो क्या नहीं मानी जाएगी बेटा? कैपिटल असेट। और लास्ट पॉइंट आपका क्या था? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, वो भी आपका क्या नहीं माना जाएगा? कैपिटल असेट। अब बेटा कुछ नीचे स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं, एक बार अपन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए क्या लिखा है, असेट यूज फॉर पर्सनल, सिर्फ क्लेरिफिकेटरी पॉइंट है, आप डेफिनेशन पढ़ के इसको आप वैसे भी कर सकते थे आंसर। देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, जो पॉइंट से बता रहा हूं सिर्फ वही देखना, लिखा है असेट यूज फॉर पर्सनल पर्पज ऑफ असेसी सजेस्ट टीवी कार मोबाइल एक्सेट्रा आर नॉट अ कैपिटल असेट। आप मुझे पॉइंट नंबर बताओगे किस वजह से? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब बोला है कि यार असेसी के पास कोई पर्सनल कार है, पर्सनल टीवी है, पर्सनल असेट है, वो उसके क्या नहीं माने जाएंगे? कैपिटल असेट नहीं माने जाएंगे। और आपने ऐसा पढ़ा था यहां पर कि मूवेबल पर्सनल असेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, यस और नो? बेटा ध्यान से सुनना यार, आपको वो पूछेगा नहीं, अल्टीमेटली आपको समझना है बातों को, कभी भी वो पूछेगा नहीं कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे दो, नहीं, आपको अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस मोबाइल इज कैपिटल असेट और नॉट, वेदर दिस पेन इज कैपिटल असेट और नॉट। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, यस और नो? अच्छा इधर देखिए फिर क्या लिखा है, आगे आगे लिखा है बेटा गोल्ड यूटेंसिल्स, एक सेकेंड, गोल्ड यूटेंसिल्स, मेरा एक सेकेंड, मत पढ़ना बेटा, कुछ मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना आगे यार। गोल्ड यूटेंसिल्स बेटा, यूटेंसिल्स मतलब सबको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ बेटा, जिस थाली में आप खाते हो वही क्या होता है? यूटेंसिल। तो बेटा ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस करिएगा, अगर किसी के घर में सोने के बर्तन है, सोने चांदी के बर्तन, तो आप मुझे बताइए उसको आप ज्वेलरी मानोगे या बर्तन मानोगे? आप मुझे बताओ, अगर वो चोरी हो गए तो आप क्या ये बोलोगे, बर्तन चोरी हो गए, या आप बोलोगे कि, आप मुझे बताइए उसको ज्वेलरी मानोगे या बर्तन मानोगे? बेटा मैं आपको बताऊं, बर्तन ही है यार वो, बर्तन बर्तन होता है, चाहे वो सोने का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे मिट्टी का हो। तो प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा, क्या लिखा है बेटा, गोल्ड यूटेंसिल्स, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन वेर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पर्सनल असेट। बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सुनना मेरी बात, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा, एक चीज आपके लिए काम की है, आप मुझे बताओ ये सोने सोने चांदी के बर्तन किसके पास होते होंगे बेटा? राजा महाराजा। तो भैया एक राजा, अपने महाराजा थे, कौन थे वो? ये महाराजा राणा हेमंत सिंह। सब लोग प्लीज फोकस करिएगा, ये महाराजा राणा हेमंत सिंह के पास बेटा बहुत सारे गोल्ड के यूटेंसिल्स थे, इन्होंने उन यूटेंसिल्स को बेचा तो कैपिटल गेन नहीं पे करा, ठीक है? उधर से डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया कि नहीं आपको कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि आपने गोल्ड बेचा है। तो बेटा वहां पर है ना हुआ क्या कि वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, मतलब उस केस का अल्टीमेटली आउटपुट ये निकल के आया था कि यार हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया में कभी भी बेटा गोल्ड यूटेंसिल में खाना खाने की प्रथा नहीं रही है। हम खाते थे खाना, हमारे जो मतलब पुराने जो लोग हैं वो खाते थे खाना, लेकिन वो सिल्वर यूटेंसिल्स पे खाते थे, कभी भी गोल्ड यूटेंसिल्स पे खाना नहीं खाते थे। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इंडिया में ऐसी कोई प्रथा ही नहीं रही है, तो गोल्ड यूटेंसिल्स को हम यूटेंसिल्स नहीं मानेंगे, उसको हम ज्वेलरी मानेंगे, और उस पर आपको क्या लगने वाला है? कैपिटल गेन। इस केस में ऐसा डिसाइड हुआ था, ये केस था बेटा महाराजा राणा हेमंत सिंह। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अब गोल्ड यूटेंसिल्स कैपिटल असेट और नोट? गोल्ड यूटेंसिल्स कैपिटल असेट, मतलब आपको क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। लेकिन बेटा सिल्वर यूटेंसिल अगर होता, अगर सिल्वर यूटेंसिल्स है तो बेटा सिल्वर यूटेंसिल्स में अपन खाना खाते थे बेटा, तो सिल्वर यूटेंसिल्स वगैरह है तो उसको आप क्या मानोगे? मूवेबल पर्सनल असेट, और उस पर आपको क्या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन। समझ रहे हैं कि आप मेरी बात? तो देखिए क्या लिखा है, गोल्ड यूटेंसिल्स सिल्वर बार है ना, या फिर सिल्वर कॉइन वेर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पर्सनल असेट, मतलब इनको पर्सनल नहीं माना गया है। पर्सनल नहीं माना मतलब ये मूवेबल पर्सनल नहीं माने जाएंगे, और अगर मूवेबल पर्सनल नहीं माने जाएंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी क्या होता है बेटा? कैपिटल असेट, यस और नो? अच्छा इसके बाद देखिए कार के बारे में एक पॉइंट लिखा है नीचे, कार इफ यूज्ड इन बिजनेस इज अ कैपिटल असेट, मतलब कार बेटा अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल असेट। सिर्फ क्लेरिफिकेटरी पॉइंट है आपके सामने, और एक और पॉइंट वो सिल्वर यूटेंसिल्स वाला है, तो सिल्वर यूटेंसिल्स हेल्ड टू बी पर्सनल इफेक्ट नो कैपिटल गेन, बस ये केस है। तो भैया सिल्वर यूटेंसिल्स पे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन से वाले पे लगेगा? गोल्ड यूटेंसिल्स। अब एक काम करिए, अभी आज की क्लास में मुझे सिर्फ इतना ही आपको बताना था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ आप खड़े हो जाए। हाँ तीसरा पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब कैपिटल असेट है क्यों नहीं है?
किसानों को फायदा नहीं दिया बेटा, सबको फायदा दिया है। फायदा एग्रीकल्चर लैंड को दिया है जो कि गांव में है, समझना मेरी बात बेटा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं है, तो बेटा ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है बेटा। मुकेश अंबानी के पास एक जमीन है गांव में, तो वो भी कौन सी जमीन है सर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14, यस और नो? ध्यान से समझ लेना बेटा, किसी पर्सन को रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन यहां पर लैंड को है बेटा। मिस्टर मास की लैंड, मिस्टर मास गरीब इंसान, लेकिन अगर भोपाल के अंदर लैंड है, ध्यान से सुनना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, भोपाल के अंदर लैंड है या भोपाल के पास लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कितना भी गरीब हो, भले ही किसान हो, कोई भी हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको क्या लगेगा उस पर? कैपिटल गेन। और बेटा कितने भी अमीर हो, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर आपको कभी भी क्या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन, ड्यू टू सेक्शन 2 क्लॉज 14। अच्छा, इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, गोल्ड डिपॉजिट। तो ये क्यों, ये मतलब इस पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? बचा इस पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? पीछे नहीं आप ही वजह, रीजन, वेरी गुड सर। डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करने के लिए एक पॉइंट डाला है, रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड बेचोगे, आप मुझे बताइए बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास बेटा बहुत सारा, मान लीजिए 1000 किलो सोना रखा है घर पे, 1000 किलो सोने के बिस्किट रखे घर पे, और बेटा यही सोने के बिस्किट नहीं, एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ईमानदारी से बेटा, मेरे पास 1000 किलो सोना रखा है घर पे और 1000 किलो सोना रखा है डिजिटल फॉर्म में, आप मुझे बताइए कौन से वाले सोने के साथ आप दिखावा कर सकते हो? मेहमान आएंगे तो आप उसको दिखा सकते हो, देख, अरे यस और नो? लेकिन डिजिटल नहीं दिखा सकते। तो मेरी बात सुनना बेटा, ये जो घर वाला सोना है जब आप इसे बेचोगे आपको कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन डिजिटल फॉर्म वाला बेचोगे आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और ये बहुत मटेरियल इंपैक्ट छोड़ने वाला है बेटा। अल्टीमेटली आप पैसा तो दोनों जगह सेम ही कमाने वाले हो, क्योंकि कीमत दोनों की लिंक चलेगी, सेम रहेगी कीमत, लेकिन बेटा इस वाले पे बेचकर जो प्रॉफिट कमाओगे उस पे आपको क्या लग जाएगा? टैक्स। और इस वाले पे आपको क्या नहीं लगेगा? टैक्स, क्योंकि इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर। यस और नो? चलिए एक लास्ट टाइम मुझे, अगर आप लोग कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, 2 मिनट बचे बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, अब एक काम करो प्लीज, एक बार बैठ जाइए सभी लोग, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बेटा, पूरी क्लास पार्टिसिपेट करेगी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से शैल बी ट्रांसफर अंडर द कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टू प्लेस। सेक्शन 2 क्लॉज 14, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेड बाय द एसेसी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, एनी सिक्योरिटीज हेड बाय एफआईआर, चार चीजें एक्सक्लूड, स्टॉक इन ट्रेड, म्यूचुअल पर्सनल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अच्छा, मूवेबल पर्सनल असेट के भी 6 एक्सेप्शन, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेक्शन 45 1 बेटा, बार बार अपन चार्जिंग सेक्शन पे ही आएंगे। 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी चार्ज्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। What is capital asset? ये तो आपको पता है, what is capital asset आपको पता है बेटा, आज अपन देखेंगे what is transfer। अच्छा एक काम करिए ना, आप मुझे बताइए ना what is transfer, क्या आपको बताने की जरूरत है what is transfer? आप बताइए ना what is transfer, what is transfer, बेच देना इस ट्रांसफर, yes or no? Yes। अरे आप मुझे बताइए, एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, एक मोबाइल मेरे पास है, अगर मैंने आपको बेच दिया तो क्या इसी को ट्रांसफर बोलते हैं? Yes। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिर्फ इतने से को ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, ये तो है ट्रांसफर बेटा, सीधी सी बात है, जिसको आप ट्रांसफर समझते हो तो है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 47, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 47 बेटा, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 47 देखिए, डेफिनेशन में बोलता है ट्रांसफर इंक्लूड्स, और कोई भी बेटा कुछ नहीं देखेगा, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना देखना, देखिए क्या बोला है सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इंक्लूड्स, बच्चे ध्यान देना, फोकस करना सब लोग, सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट मींस
सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड्स, मतलब दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज जस्ट एन इंक्लूसिव लिस्ट, यस और नो? क्या इसके बाहर की चीज भी ट्रांसफर मानी जा सकती है? यस yes. क्या उस लिस्ट के बाहर की चीज कैपिटल एसेट मानी जा सकती है? नहीं. तो बेटा देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड. बच्चे अपन इसको याद तो कर लेंगे, याद ही करना है इसको अपन को अल्टीमेटली, लेकिन पहले प्लीज एक बार समझ लीजिए बेटा, ट्रांसफर इंक्लूड के अंदर सबसे पहली चीज बोली सेल. आपको पता है व्हाट इज सेल, बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है व्हाट इज सेल. अच्छा एक्सचेंज, बेटा अगर अपन पैसों में बेचते हैं तो उसको सेल बोलते हैं. अगर मैं आपको मोबाइल दे दूं, बदले में दो मोबाइल ले लूं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, है ना? एक्सचेंज बोलते हैं, यस और नो? और बेटा इधर ध्यान से देखना, सेल एक्सचेंज, इसके बाद लिखा है रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. व्हाट डज रिलिंक्विशमेंट मींस? त्याग देना. ध्यान से सुनना बेटा, रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, अगर आपने किसी असेट को, बेटा अगर आपने किसी असेट को बेचा नहीं है, उस पे अपने राइट से छोड़ दिए, तो उसको आप पता है क्या बोलते हैं? रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. सीधी सी बात है बेटा, सरकार है ना, आपके पास से अगर एसेट जा रहा है, कैसे भी जाए वो क्या मानेगी उसको? ट्रांसफर. आप समझ रहे होंगे, देखिए अभी तो एक ही पॉइंट पड़ा है, अभी बहुत सारे पॉइंट आगे बाकी है. तो क्या बोला? ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. अच्छा सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट. अभी याद मत करना, याद में करवाऊंगा आपको, पहले समझ लेना. सेल आपको ऑलरेडी पता है, एक्सचेंज आपको ऑलरेडी पता है, रिलिंक्विशमेंट मैंने आपको बताया, असेट त्याग देना. नहीं, रिलिंक्विशमेंट ही बोलेंगे. अगर आप डोनेशन में भी, बेटा अगर आप डोनेशन भी दोगे ना तो भी वो ट्रांसफर में आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर इंक्लूसिव डेफिनेशन है. लेकिन रिलिंक्विशमेंट मतलब जैसे मेरा असेट है. बेटा ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस करिएगा सब लोग. एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बेटा दो ओनर हैं, एक मेरा भाई ओनर है और एक मैं ओनर हूं. प्लीज फोकस करिएगा, इस प्रॉपर्टी के दो ओनर है यार, 50-50%. मान लीजिए बेटा ये मेरे मतलब पापा के पास ये प्रॉपर्टी आई थी, 50% ओनर मेरा भाई और 50% ओनर कौन हूं मैं. कल को बेटा अगर मैं अपने भाई से बोल देता हूँ ये पूरी प्रॉपर्टी तू रख ले, मैं अपना राइट छोड़ रहा हूं, इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. समझी मेरी बात, रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. अच्छा सेकंड पॉइंट देखिए नीचे क्या लिखा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, बच्चे ध्यान देना, पहले पॉइंट में जो रिलिंक्विशमेंट है और दूसरे पॉइंट में जो एक्सटिंग्विशमेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं है. एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा. यहां पर आप असेट छोड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट. यहां पर बेटा आप राइट छोड़ रहे हो, इंटेंजिबल कोई असेट है, कोई राइट छोड़ रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट. समझना बात, अल्टीमेटली बेटा आप छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो अपना राइट, त्याग रहे हो अल्टीमेटली, चाहे वो असेट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी फॉर्म में हो. अभी याद नहीं करना बेटा, अभी याद मत करना. तो मैंने आपसे क्या बोला, सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट. अच्छा तीसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ. बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करना, क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे जाकर. व्हाट डज कंपल्सरी एक्विजिशन मींस? बेटा मान लीजिए एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं. मान लीजिए बेटा ऐसे है ना, ये है अपना दिल्ली और ये है भोपाल. दिल्ली से भोपाल के बीच में एक रोड बन रहा है ऐसा, और इस रोड के बीच में एक घर आ रहा है सामने. समझना मेरी बात, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के आड़े एक घर आ रहा है, एक लैंड आ रही है, एक जमीन आ रही है, कुछ भी आ सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. अब मुझे एक चीज बताना, आपको मैं बता दूं बेटा, पहले सरकार आपसे पता है क्या बोलती है, आप इस घर को हटा लीजिए यहां से, घर को तोड़, मतलब सरकार बोलती है इस घर को खत्म कर दीजिए, हम आपको कोई जगह दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे. बेटा पहले सरकार आपको मनाती है, अगर आप मान गए तो ठीक, नहीं भी माने तो बेटा इतने बड़े रोड के आपके घर के चक्कर में तो नहीं छोड़ेंगे. आप समझना मेरी बात, अगर आप नहीं देते हो तो सरकार जबरदस्ती आपसे ले लेती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंपल्सरी एक्विजिशन. समझना मेरी बात, सरकार पहले आपको मौका देती है. मौका क्या देती है? कि आप एक काम करो, हमें ये घर बेच दो, या फिर हम आपको इस घर के बदले में कोई दूसरी जगह या दूसरा घर दे देते हैं. बेटा अगर आप नहीं भी मानोगे ना तो भी कभी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, सरकार आपके घर को जबरदस्ती एक्वायर कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? कंपल्सरी एक्विजिशन. आपको एक चीज समझ आना चाहिए बेटा, कंपल्सरी एक्विजिशन हर कोई नहीं कर सकता, कौन ही कर सकता है? सरकार. तो बेटा तीसरे पॉइंट में लिखा क्या है, अब एक काम करिए देखेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन देर ऑफ अंडर एनी लॉ. किसी भी लॉ में आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो गया है? कंपल्सरी एक्विजिशन. क्या लिखा है? कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ. क्या आपको वर्ड कंपल्सरी एक्विजिशन क्लियर है? आज के बाद क्लियर रखेंगे इसको, यस और नो? जैसे बेटा अपने भोपाल में ये भी मेट्रो बन रहा है सामने, मान लीजिए किसी का घर होता तो क्या सरकार मेट्रो को इधर से यूं घुमा लेती है, आपके घर से ले जाती वो मेट्रो को? तो बेटा वो घर से ले जाने के लिए आपके घर को क्या कर लेती है? कंपल्सरी
एक्विजिशन, प्लीज फोकस करिएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये ना ये आपका बेस बन रहा है कैपिटल गेन का। और मैं आपको बता दूं आगे जाके कैपिटल गेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है कंपलसरी एक्विजिशन और आगे के पॉइंट्स कुछ, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम एग्जाम के फेवरेट है बेटा इंस्टीट्यूट के, तो ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एक काम करिए बेटा, क्लास में से कोई बच्चा खुद खड़ा होकर मुझे बताएगा व्हाट डज इट मीन। हाँ खड़े हो जाओ, सर मेरे एक सेकंड में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। सर मेरे पास फ्लैट्स थे और मैं बिल्डर नहीं थी, मेरे पास फ्लैट थे मैं बिल्डर नहीं थी, मतलब वो मेरा क्या था, कैपिटल असेट्स। आज से मैंने सोच लिया कि एज अ बिल्डर मैं वर्क करूंगी और प्लॉट्स वगैरह बेचूंगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ अपन ने डिस्कस करा था सेक्शन नंबर 28 बेटा ध्यान से सुनना, वहां उल्टा था यहां उल्टा है। वहां पर बेटा बिल्डर से कैपिटल एसेट बन रहा था, स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट, और बेटा यहां पर कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बन रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनना, बारीकी देखिए आप, चार्जिंग सेक्शन की बारीकी। अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट बना तो पीडीबीपी, स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट बना है तो क्या बनेगा बेटा, पीडीबीपी। लेकिन अगर कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। तो ध्यान दीजिए, फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं एग्जाम का फेवरेट, एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट है। अगर वो चार बार क्वेश्चन पूछता है तो दो बार यही पूछता है वो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मार्क मत करिएगा, आगे आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है, सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हो आप। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड्स, ट्रांसफर इंक्लूड, ट्रांसफर के अंदर बेटा क्या चीजें आने वाली है, चार चीजें। अब एक काम करो, चार चीजें एक बार रिवाइज करेंगे, चार चीजें। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एक सेकंड, मजा नहीं आया। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पक्का? Yes, जैसे कि बेटा मान ले मुझे लीज पे कोई चीज मिली हुई है, ठीक है, मुझे लीज पे कोई चीज मिली हुई है, मतलब कोई राइट है मेरे पास, या फिर मान ले मेरे पास एक माइंस होती है ना, माइंस वगैरह, जैसे कोयले की खदान होती है वगैरह, तो मुझे उसका कोई राइट है, मतलब मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और मैंने उस राइट को छोड़ दिया, वो कोई मेरा असेट नहीं है, मतलब वो कोई मेरा टेंजिबल असेट नहीं है बेटा, बात एक ही है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, अगर राइट छोड़ दिया तो एक्सटिंग्विशमेंट। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन ले बच्चे, प्लीज सब लोग ध्यान देना, कोई वो आपको ये सब नहीं पूछने वाला है। तो ये चार चीजों के बाद बेटा पांचवी चीज, थोड़ा सा ध्यान देना, पांचवी और छठी में आपको दिक्कत आएगी समझने में, और अभी के लिए आपको सिर्फ इसको याद करना है। क्या लिखा है, अलोइंग पोजीशन ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेनिंग पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बोल्ड जो आपको दिख रहा है ना, बोल्ड क्या दिख रहा है आपको, पोजीशन ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी। बच्चे ध्यान से सुनना, इम्यूअल प्रॉपर्टी के पोजीशन दे देने को, पोजीशन मतलब समझते ना, इम्यूअल प्रॉपर्टी के पोजीशन दे देने को भी क्या माना गया है, ट्रांसफर। समझना बात को, बेची नहीं है, सिर्फ आपने क्या दिया है, पोजीशन। इम्यूअल प्रॉपर्टी के पोजीशन देने को भी क्या माना गया है, ट्रांसफर। लेकिन बेटा अभी इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी आगे इसमें जब एक इससे रिलेटेड एक चीज होगी मैं वो पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इससे लिंक करवाऊंगा। अभी के लिए आपको याद रखना है, अलोइंग पोजीशन ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। पांच पॉइंट क्लियर है कि आपको, पांच पॉइंट बेटा, चार पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, पांचवा पॉइंट अभी बस याद टाइप का होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर इंक्लूड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड अलोइंग पोजीशन ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सिक्स्थ वाले के लिए एक एग्जांपल मुझे आपको देना पड़ेगा, प्लीज फोकस करिएगा, वरना आप मुझसे बार बार पूछोगे ऐसे। सिक्स्थ वाले के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक ही बार में सुन लेना, बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने वो देखा है क्या, जेठालाल वाला कौन सा वो क्या था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है आपने, उसमें वो सोसाइटी का नाम क्या है, गोकुलधाम,
गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस बेटा प्लीज फोकस करिएगा। एक चीज जो आपको नहीं पता, एक चीज जो आपको नहीं पता मैं आपको बता रहा हूं, और वो पॉइंट नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों का फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। बेटा मैं आपको बताऊं, वहां पर जो गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, सोसाइटी में पता है क्या होता है, आपके घर थोड़ी होते हैं, आपने देखा होगा बेटा जेठालाल के पास एक घर है, यस, और जितने भी वहां पर जो लोग हैं उन सबके पास क्या है, अपने अपने घर, लेकिन मैं आपको बता दूं वो घर उनके नहीं है। तो यहां पर देखिए गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस टाइप की जो भी सोसाइटी होती है ना, यहाँ पर बेटा आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते हो, यू आर नॉट ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आप रह रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, आप उसके ओनर नहीं हो बेटा, आप बस उस सोसाइटी के शेयर होल्डर होते हो। आप क्या होते हो, जैसे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना बेटा, आप क्या होते हो, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर, शेयर होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर। और बेटा होता यह है कि अगर कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास एक सर्टिफिकेट है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी उस सर्टिफिकेट से लिंक होती है जो उसकी होती है। अच्छा मिस्टर बी है जिसके पास बेटा दो सर्टिफिकेट है, तो आप समझ रहे होंगे इसके पास कितनी प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे, दो प्रॉपर्टी। ऐसे ही बेटा मिस्टर सी है जिसके पास अगेन एक ही सर्टिफिकेट है, तो कितनी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी। अब मुझे एक चीज बताइएगा, प्लीज फोकस करिएगा, यहां पर मिस्टर ए ने, ये रहा मिस्टर ए, इस मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी नहीं बेची है, प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता, उसका वो ओनर ही नहीं है, इसने अपना शेयर बेच दिया, इसने अपना सर्टिफिकेट बेच दिया, तो क्या इनडायरेक्टली इसने प्रॉपर्टी भी बेच दी? मुझे एक चीज आंसर करिएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसने बेचा क्या है अपना सर्टिफिकेट, इसने बेचा क्या है अपना शेयर, लेकिन आप मुझे बताओ क्या उस कागज के टुकड़े की वजह से प्रॉपर्टी भी उसके पास से जा रही है? यस, दैट विल अगेन बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और आपको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन, पॉइंट नंबर 6। अब एक बार पढ़ेंगे अपन पॉइंट नंबर 6, देखिए क्या लिखा है, एनी ट्रांजेक्शन विच इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी। आपने कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर कर दी जिसकी वजह से बेटा इम्यूअल प्रॉपर्टी भी इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गई है, तो आप इसको 6th वाले पॉइंट को आप यहां पर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। आपने डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं बेची, आपने कुछ और बेचा जिसकी वजह से क्या ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी। 6th वाला पॉइंट इनडायरेक्ट ट्रांसफर। बेटा पॉइंट नंबर 5th और 6th टेक्निकल पॉइंट है, और पॉइंट नंबर 5 तो अभी के लिए आपको समझ नहीं आना चाहिए, लेकिन पॉइंट नंबर 6 आपको समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से। और लास्ट पॉइंट देखिए आप लोग, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड आपको पता है, और व्हाट डज रिडेम्पशन मींस, सर कंपनी इश्यू करती है पहले डिबेंचर्स बॉन्ड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनको रिडीम किया जाता है एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, मतलब कुछ भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिडेम्पशन। ध्यान से सुनना, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को क्या माना गया है, क्या माना गया है बेटा, ट्रांसफर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा, अगर आपने रिडेम्पशन कर दिया है डिबेंचर का, आपने किसका रिडेम्पशन कर दिया है, डिबेंचर का, क्या इसको भी ट्रांसफर माना जा सकता है? ट्रांसफर इंक्लूड्स, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रांसफर की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, नीचे दी हुई जस्ट एन एग्जांपल है, नीचे दी हुई लिस्ट सिर्फ क्या है, एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा भी चीजें क्या हो सकती है, ट्रांसफर। एक काम करिएगा, ट्रांसफर की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अब अपन को याद होना चाहिए, एक काम करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं आपके सामने से, सेक्शन 2 क्लॉज 47। पहले बेटा एक दो बार मैं रिपीट करवाऊंगा, आप लोग करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इंडिविजुअली पूछ के आपको करवा ही दूंगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अलाउइंग पोजीशन ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। कौन मुझे समझाएगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर खुद से? सर हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहे थे जिसकी वजह से अपने आप क्या भी ट्रांसफर हो रही थी प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे भी आपको क्या लगने वाला है, कैपिटल गेन। अरे यस और नो, बैठ जाइए, कैपिटल असेट की डेफिनेशन, हाँ कैपिटल असेट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 14। बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, प्लीज समझना बात को, जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ ना आज का और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि इसी पे कैपिटल गेन खड़ा होगा पूरा, तो ध्यान देना सब लोग बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड आपको मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेटा आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 14, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। अच्छा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी,
क्यों ऐसा लिखा था क्या वहां? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन. फिर बेटा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई. व्हाट डज सिक्योरिटीज मींस? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. हाँ, फिर कितनी चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी? स्टॉक इन ट्रेड. बेटा एक काम कर, तू खड़े हो जा. हाँ, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा. रीजन? इतना बड़ा आंसर नहीं था जितना तूने एलेबोरेट कर दिया. 10 नंबर का नहीं पूछा मैंने, 1 नंबर का पूछा है. टू द पॉइंट आंसर कर. ब्लॉग बना रहा था क्योंकि सर स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी में जाता है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. सेकंड पॉइंट क्या था बेटे? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी. लास्ट में खड़े हो जाओ. हाँ, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी. मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं है. अच्छा, इसके 6 एक्सेप्शन पढ़े थे आपने, क्या क्या थे? ज्वेलरी, ज्वेलरी पेंटिंग नहीं, ज्वेलरी ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ. अच्छा, एक सेकेंड, तो बेटा ये 6 चीजें कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये 6 चीजें कैपिटल एसेट है, समझना बेटा, ये 6 चीजें कैपिटल एसेट है. वेरी गुड, बैठ जाइए. आदित्य खड़े हो जाओ. मुझे एक चीज बता, अगर मैंने ज्वेलरी बेची कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? बेटा लगेगा या नहीं लगेगा ऐसे आंसर नहीं करना. आपको जाना है 45(1) के पास. एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस. एक चीज बता, क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? पक्का ज्वेलरी कैपिटल एसेट है और मैंने बेच दिया, क्या बेच देने को ट्रांसफर बोलते हैं? यस. तो बेटा अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन. किस साल लगेगा सर? जिस साल बेचा, जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल लगेगा. बैठ जाइए. हाँ, तीसरा पॉइंट. हाँ ना, जिस साल बेचा तो वही तो, प्रीवियस ईयर भी तो बेचा. एक सेकेंड, एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड था क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया. और फोर्थ पॉइंट, गोल्ड डिपॉजिट बोर्ड. और साहब खड़े हो जाओ. रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट क्यों नहीं है? सर फार्मर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए सरकार ने उसको एक्सक्लूड करके रखा है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से. मतलब उस पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड. सर डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करने के लिए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह में भी क्या नहीं लगेगा कैपिटल गेन? वेरी गुड, बैठ जाइए. आप भी बैठ जाए. वेरी गुड. चलिए एक काम करिए सब लोग, आप मुझे बताइए अगर मेरे घर में गोल्ड की यूटेंसिल्स है कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि इंडिया में कभी भी गोल्ड के बर्तन में खाना खाने की प्रथा नहीं रही है, लेकिन सिल्वर यूटेंसिल से तो नहीं लगेगा. सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, अब बेटा एक बार है ना, प्लीज फुल, मतलब फुल एनर्जी के साथ अभी तक जितना भी पढ़ा है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस. लास्ट टाइम पढ़ रहा है इस बार, इसके बाद कभी रिपीट नहीं करूंगा, कसम खा रहा हूं आप लोगों की. Section 2, Clause 14, Capital Asset means property of any kind held by the SSE. Any securities held by FII, please participate, beta. Please participate. चार चीजें include नहीं होगी, stock and trade, rural personal property, rural agricultural land in India, bond deposit bond. ये चीजें हमेशा include होंगी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. Section 2, Clause 47, Transfer include sale, exchange, relinquishment of asset, extinguishment of any kind. Compulsory acquisition under any law, conversion of capital asset into stock in trade, allowing possession of rural property in part performance of the contract, indirect transfer, redemption of zero coupon bond. लाल खड़े हो जाओ. Indirect transfer. What does word indirect transfer means? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर फोकस करिएगा बेटा सभी बच्चे, क्योंकि जिसके पास जमीन जायदाद है ना उनके लिए तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है. आप सोच के रख लेना कि कैपिटल गेन लगने वाला है या नहीं. रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं? नहीं है, ऐसा कहां लिखा था? वेरी गुड सर, सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में मना करा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट. आप मुझे बताइए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या वो कैपिटल एसेट है?
सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी कैपिटल एसेट है, चार चीजों को छोड़कर, तो ये चार चीजों में कवर नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एसेट। तो बेटा अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे तो क्या आपको कैपिटल गेन लगने वाला है? यस बेटा, वो लोग जो गांव या भोपाल से थोड़े दूर रहते हैं, सब लोग ध्यान से सुन ले, व्हाट डज रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस, ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग फोकस करेंगे, बैठ जाइए बेटा, फोकस करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम की चीज है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेटा इन्होंने डिफाइन करा कि कोई भी लैंड जो कि अर्बन ना हो वो क्या हो जाएगी? रूरल। समझना मेरी बात को बेटा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपको चाहिए क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन इन्होंने पता है क्या बोला कि कोई भी लैंड अगर अर्बन नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब आपको जाना पड़ेगा व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, प्लीज फोकस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये बिना पढ़े मतलब ये आपको परमानेंटली याद रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। बेटा अगर किसी जगह पे 10,000 लोग रहते हैं, अगर कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा ऐसा एरिया है जहां पर कितने लोग रहते हैं बेटा? 10,000 लोग, उस एरिया को आप अर्बन एरिया मानोगे बेटा, भले ही वो कितना ही छोटा गांव है, कितना, मैं तो बोला हूँ गांव भी नहीं हो यार, अगर 10,000 लोग ऐसे ही जाके भी रहने लगे ना किसी भी जगह पे, अगर 10,00,000 लोग रहते हैं, चाहे वो टेम्पररी रहते हैं बेटा, उसको आप क्या मानोगे? अर्बन एरिया। और बेटा प्लीज फोकस करिएगा, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, अगर अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1,00,000 तक है, प्लीज फोकस करिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ही ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। बेटा मान लीजिए ये एक जगह है जिसकी पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, एक जगह है जिसकी पॉपुलेशन है 10,000। बेटा अगर पॉपुलेशन 10,000 से अगर पॉपुलेशन आपकी 1,00,000 के बीच में है, तो बेटा बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया, सूरज नहीं बना रहा हूं ये मैं, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया, ध्यान रखना बेटा कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर का एरिया भी क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया। समझना मेरी बात को, 2 किलोमीटर आप ऐसे नहीं जोड़ोगे कि यू गए नहीं बेटा, एरियल डिस्टेंस मेजर होगा, समझिए मेरी बात को, कौन सा डिस्टेंस? एरियल। आपको पता है वो 2 किलोमीटर में वो 3-4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो एरियल डिस्टेंस है। तो प्लीज फोकस करना, अगर किसी जगह पे बेटा 10,000 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, तो 10,000 से 1,00,000 के रेंज में आपको मैं बता दूं बाहर का कितना एरिया भी आपको देखना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। और बेटा अगर किसी जगह पे 1,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और 10,00,000 तक रहते हैं, तो बेटा बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी आपका क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया। और बेटा अगर किसी जगह पे 10,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो बेटा बाहर का 8 किलोमीटर एरिया भी क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया। भोपाल इज अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, है ना, भोपाल की पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 10,00,000 से ज्यादा। तो बेटा ध्यान से सुनना, भोपाल के आसपास के 8 किलोमीटर का एरिया भी क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया। और अगर उस एरिया में कोई जमीन होगी तो उसके बेचने पे आपको क्या लगेगा? कैपिटल गेन। और 8 किलोमीटर के बाहर वाला एरिया होगा तो बेटा एक सेकेंड, 8 किलोमीटर के बाहर वाला एरिया होगा तो रूरल हो सकता है बेटा, हो सकता है भोपाल के बाद कोई दूसरा शहर लग जाए, वो उसकी रेंज में आ जाए। तो आपको तो देखना पड़ेगा किसी भी जगह पे अगर 10,000 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं तो अर्बन एरिया, और 10,000 से 1,00,000 तक की रेंज है तो कितने बाहर का कितना एरिया? अर्बन मानोगे 2 किलोमीटर, और 1,00,000 से 10,00,000 तक है तो बाहर का 6 किलोमीटर, और बेटा अगर 10,00,000 से भी ज्यादा है तो बाहर का कितना? 8 किलोमीटर का एरिया आपको अर्बन एरिया मानना पड़ेगा। एक बार इसको यार रीड कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, इवन आपको अगर डायग्राम बनाना हो कुछ तो वो डायग्राम भी यही बना लीजिएगा ऐसे करके, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर अगर आप बनाना चाहे तो। चलिए सुनिए, अब बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, और ये लास्ट चीज है जो थियोरेटिकल है अपनी, एक बहुत काम की लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की, किसी भी क्वेश्चन में इसके बिना होगा ही नहीं, तो प्लीज फोकस करिएगा बेटा। आपके कैपिटल एसेट 2 टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। आपके कैपिटल एसेट कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? 2 टाइप के। कौन कौन से हो सकते हैं सर? शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। नाम से तो आप समझ रहे होंगे, लेमेन लैंग्वेज में तो आप समझ रहे होंगे, जो कम पीरियड के लिए होता होगा शॉर्ट टर्म, और जो ज्यादा पीरियड के लिए होता होगा वो क्या होता होगा? लॉन्ग टर्म। प्लीज फोकस करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेमेन लैंग्वेज में डिस्कस नहीं करना है, बहुत डेप्थ में इसको डिस्कस करना है अपन को। आपके एसेट 2 टाइप के होंगे बेटा, या तो लॉन्ग टर्म होगा या फिर क्या होगा? शॉर्ट टर्म। सबका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम पढ़ने वाले हैं बेटा नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, और यार कोई भी इसको नहीं देखेगा, कोई भी इसको नहीं देखेगा, जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना मैं आपको याद कराऊंगा उतना ही आपको देखना है। प्लीज फोकस करिएगा, नेचर ऑफ कैपिटल एसेट,
बेटा कैपिटल एसेट दो टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कब कोई एसेट शॉर्ट टर्म होगा कब लॉन्ग टर्म होगा वो अपन देखेंगे यहां पर एक एक करके। तो बेटा सबसे पहली चीज, तीन असेट के नाम याद करिए पहले तो आप मेरे साथ। तीन असेट, पहली चीज देखिए क्या लिखा गया, एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या मैं इसे शॉर्ट में प्यार से लिस्टेड सिक्योरिटीज बोल सकता हूँ? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिस्टेड सिक्योरिटी। बेटा नंबर ऑफ असेट, आपको असेट याद रखने हैं, ध्यान से सुन लो। पहला असेट क्या हो जाएगा आपका, लिस्टेड सिक्योरिटीज। अच्छा दूसरा असेट क्या है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो आपको दो चीज, पहली चीज क्या है लिस्टेड सिक्योरिटीज, दूसरी क्या है यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और तीसरा क्या है यार जीरो कूपन बॉन्ड। तो तीन असेट कौन कौन से हैं जल्दी से हटा रहा हूं मैं इसको, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड सिक्योरिटी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा इन तीन चीजों के केस में प्लीज फोकस करिएगा, इन तीन असेट के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, तीन असेट के केस में एक साल का क्राइटेरिया है। इफ असेट इज होल्ड अप टू वन ईयर, अगर बेटा असेट आप हेल्ड कर रहे हो एक साल तक तो शॉर्ट टर्म, एक साल से ज्यादा कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म, एक साल वाला क्राइटेरिया तीन असेट के लिए है। तीन असेट कौन कौन से, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। अभी अभी मत लिखिए, पहले अपन इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको जो लिखना है इसमें लिख लीजिएगा। तीन चीजें बेटा कौन कौन सी, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा एग्जाम में मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना आपके सामने वो या तो सिक्योरिटीज के ऊपर आता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, ठीक है, या तो किस पे आएगा बेटा सिक्योरिटीज या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर पहला जो पॉइंट था वो लिस्टेड सिक्योरिटीज ही था? यस। तो ये हमें इसलिए बेटा ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर सिक्योरिटीज वर्ड कवर है। अच्छा सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया अनलिस्टेड शेयर्स, कौन से शेयर्स बेटा, अनलिस्टेड शेयर्स, ध्यान से सुनना, लिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं बोला है, गलती मत करना, वहां लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब बेटा अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, सब कहां पर कवर थे, पहले वाले में। अगर अनलिस्टेड है तो ध्यान से सुनना बेटा, अनलिस्टेड शेयर है तो दूसरे वाले में, सिर्फ अनलिस्टेड शेयर है तो कौन से वाले में, दूसरे वाले में। अनलिस्टेड डिबेंचर नहीं बोला, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं बोला, क्या बोला, अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आप बेटा माज एंड कंपनी, माज लिमिटेड के शेयर्स बेचते हो अनलिस्टेड कंपनी के, तो आप कौन से क्राइटेरिया में फॉल करोगे, सेकंड वाले में। और बेटा सेकंड वाले में दो असेट है, देखिए अनलिस्टेड शेयर्स और एक और क्या है, इम्यूअल प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में वो या तो सिक्योरिटीज पूछता है या इम्यूअल प्रॉपर्टी। तो बेटा फर्स्ट और सेकेंड क्राइटेरिया आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं याद रखना बहुत आसान है, अभी मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा सब। अभी तो प्लीज फोकस करिए, दो चीजें कौन कौन सी है बेटा, फर्स्ट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेकेंड इज इम्यूअल प्रॉपर्टी। बेटा इन दो असेट के लिए दो साल का क्राइटेरिया, कितने साल का, दो। इफ असेट इज हेल्ड अप टू टू ईयर शॉर्ट टर्म, इफ असेट इज हेल्ड मोर देन टू ईयर लॉन्ग टर्म। कौन कौन सी दो चीजें बेटा, अनलिस्टेड शेयर्स, इम्यूअल प्रॉपर्टी। सबको इतना समझ आ रहा है क्या, पक्का? अच्छा तीसरा देखिए क्या प्यारा सा नाम दिया है, एनी अदर असेट। आपको पता है वो मजनू भाई ने जो पेंटिंग बनाई थी वो ना तो फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में आ रही थी ना सेकंड वाले में, मतलब वो कहां आएगी बेटा, तीसरे वाले में। आपने जो छह चीजें देखी थी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वो सब भी कहां आएंगे, तीसरे वाले में। अरे यस और नो, समझना मेरी बात को बेटा, ये तो पांच ही चीजें हैं, इन पांच चीजों के अलावा जो भी चीजें होंगी वो कौन से क्राइटेरिया में आएंगी, इस वाले में, एनी अदर असेट। और बेटा तीसरे वाले क्राइटेरिया में जो आपका क्राइटेरिया है वो है तीन साल का। तो अगर आपका असेट तीन साल तक है तो शॉर्ट टर्म, तीन साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। देखिए याद रखना कितना आसान, पहले तीन असेट वाले जो मतलब पहला है उसका क्राइटेरिया भी क्या है, एक साल, जो दूसरा है उसका क्राइटेरिया भी क्या है, दो साल, और बेटा जो तीसरा है उसका क्राइटेरिया भी क्या है, तीन साल। अच्छा यहां पर एक और चीज, दो साल में दो ही असेट आते हैं, दो साल में दो ही असेट आते हैं, एम्यूअल प्रॉपर्टी और कौन सा, अनलिस्टेड शेयर्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पूछूं इससे रिलेटेड बारीक क्वेश्चन आपसे, याद तो मैं आपको अभी करा दूंगा, वैसे तो हो गया होगा यार, ठीक है वो तो अपन को हो ही जाएगा, वो तो अपन रिपीट विपीट थोड़ी करेंगे। इधर देखो प्लीज फोकस करना बेटा, बहुत शानदार टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन बहुत मजेदार टॉपिक है, बस बेस आज का बन जाए कल से बेहतरीन शानदार मजा आएगा आपको। और टेक्निकल टॉपिक है, मैं आपको बताऊं इससे कोई टेक्निकल टॉपिक है नहीं आपके सिलेबस में, इससे टेक्निकल कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने क्लास अटेंड कर ली तो 100% ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं इसके, 100% ऑफ द क्वेश्चंस।
प्लीज फोकस करिएगा बेटा, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ, आप तो मुझे बताइए, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ऐसा कुछ आने वाला है। अगर आपने लैंड बेची, अच्छा मैं जितने भी आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा सब कैपिटल एसेट है, आप सेक्शन 2 क्लॉज 14 में मुझ पर भरोसा रखना कि वो कैपिटल एसेट है। बेटा लैंड बेची कितना क्राइटेरिया लगेगा, अरे बताओ ना, लैंड बेची है कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? 2 साल का। अच्छा प्लॉट बेचा, हाउस बेचा, फ्लैट बेचा, बंगलो बेचा, नालायकों सभी इम्यूअल प्रॉपर्टी में क्या लगेगा? 2 साल। अच्छा इसके बाद ज्वेलरी बेची, 3 साल। कितने साल? 3। अच्छा आपने ड्राइंग पेंटिंग बेचे, 3 साल। आपने बेटा कोई इंटेंजिबल असेट बेच दिया, कितने साल? 3 साल। वेरी गुड, समझना मेरी बात को, आपने कोई इंटेंजिबल असेट बेच दिया 3 साल। बेटा आपने कार बेच दी जो कि आपका मूवेबल पर्सनल नहीं था, तो वो आपका क्या था? कैपिटल असेट। कितने साल? 3 साल। समझना मेरी बात, पहले वाले क्राइटेरिया में, 1 साल वाले क्राइटेरिया में मात्र 3 असेट आएंगे। कौन कौन से? लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। दूसरे वाले क्राइटेरिया में मात्र 2 असेट आएंगे, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं। बेटा ध्यान से सुनना, जितना आपको लिख रहा होता है ना, यहां आप लोग जरूर लिख लेना कि अनलिस्टेड शेयर्स ही आएंगे, ओनली लिख लेना बेटा। आप समझना मेरी बात, आप एग्जाम में पता है क्या करोगे, यहां पर लिस्टेड ले लोगे, यहां पर अनलिस्टेड सभी सिक्योरिटीज ले लोगे, नहीं। सेकेंड वाले क्राइटेरिया में सिर्फ क्या आएगा? अनलिस्टेड शेयर्स, और तीसरे वाले में क्या आएगा? एनी अदर एसेट। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। जब भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा क्या लगेगा? कैपिटल गेन। किस साल में लगेगा? जिस साल में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 14, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी whether or not it is connected with business or profession, any security is held by FII। चार चीजें कैपिटल एसेट नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये चार चीजें नहीं है। अच्छा 6 चीजें हमेशा कैपिटल एसेट मानी जाएगी। क्या आपको ये बात क्लियर है? सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अलाउइंग पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। व्हाट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर? सर ऐसी कोई चीज ट्रांसफर कर दी जिससे इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। कौन से पॉइंट में कवर हो जाएगी? पॉइंट नंबर 6 बेटा, ये वेरी गुड। और लास्ट क्या था बेटा? रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर था ये सब आपको? इसके बाद बेटा कैपिटल एसेट 2 टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा कितने क्राइटेरिया है? 1 साल वाला क्राइटेरिया, 2 साल वाला क्राइटेरिया, 3 साल वाला क्राइटेरिया। 1 साल वाले क्राइटेरिया में 3 असेट, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और तीसरा क्या है यार? जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा 2 साल वाले क्राइटेरिया में 2 असेट, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड शेयर्स। तो दूसरे वाले क्राइटेरिया में 2 असेट, अनलिस्टेड शेयर्स, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा तीसरे वाले क्राइटेरिया में एनी अदर असेट। व्हाट डज रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस? जो अर्बन ना हो, ये लॉ में लिखा है बेटा, ऐसा मैंने नहीं बनाया, ऐसा लॉ में लिखा है। जो अर्बन ना हो वो क्या हो जाएगा? रूरल। व्हाट इज अर्बन? बेटा ध्यान से सुनना, रुक जाओ, ये मैंने, अगर किसी एरिया में 10,000 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं तो वो अर्बन एरिया। 10,000 से 1,00,000 है तो 2 किलोमीटर, 1,00,000 से 10 है तो 6, और 1,00,000 से 10,00,000 से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया। ये सब आपको क्लियर है? Yes, चलिए कल वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। चलिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।